अलैक कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे तो आप लोगों की दुआ से और मेरे अल्लाह ताला के करम से मेरी तबीयत अभी अच्छी है तो इसीलिए मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए एक रेसिपी तो मैं रेसिपी में बनाने वाली हूँ सुरमई फ़िश कोरमा और उसी के साथ में तंदूरी फ़िश फ्राई है ना, ना। बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से अपने स्टाइल में तो चलिए रेसिपी बनाना इस्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने ली हूँ सुरमई मछी है ना तो देख लीजिए आप लोग पटाखे की भी आवाज़ आ रही है साथ में यहाँ पर मैंने ली हूँ सुरमई मच्छी आप सुरमई की जगह पे जो आपको पसंद है वो मच्छी का इस्तेमाल कर सकते हैं मच्छी को हमें अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और अच्छी तरह से धो लेना है इसके अंदर हम कुछ मसाले मिक्स करेंगे तो इसमें डालूंगी एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट पहले हम इसे फ्राई कर लेंगे आधे नींबू का रस इसमें डाल देंगे उसी के साथ में कुछ पाउडर मसाले तो आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच धनिया पाउडर एक चौथाई हल्दी पाउडर एक चौथाई नमक और ये फिश फ्राई मसाला हम डालेंगे आधा चम्मच बरोबर कोई भी ब्रांड का आप फिक्स फ्राई मसाला ले सकते हैं है ना अगर आपके पास में है तो डालिए नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं चलिए अभी हम क्या करेंगे इसे खूब अच्छी तरह से मसाले मिक्स कर देंगे इस मच्छी के अंदर थोड़ा सा पानी भी छिड़क के भी आप इस मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना अभी हम क्या करेंगे इसे रख देंगे आधे से एक घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए तो एक मसाला बनाकर रेडी कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने ली हूँ दो प्याज प्याज का हमें प्याज को फ्राई कर लेना है और उसका बिरिस्ता बना लेना है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है तो यहाँ पर मैंने ली हूँ तीन टमाटर तीन टमाटर का पेस्ट बनाकर भी रेडी कर लेना है अभी यहाँ पर मैंने ली हूँ ये यह देखिए यहाँ पर मैंने ली हूँ दो टुकड़ा सूखा गिल्ला खोपरा आता है ना वो दो टुकड़ा ली हूँ यानी कोकोनट उसके पीछे का जो होता है ना ब्राउन कलर का ब्राउन कलर का जो होता है ना उसे मैंने निकाल ली हूँ और उसे कद्दूकस करके ले ली घस के यहाँ पे मैंने दस से बारह बादाम और दस से बारह काजू ली हूँ जो मैंने दोनों को भिगो के रखी हूँ इन दोनों को साथ में मिक्स करके ही हमें इसका पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है सबसे पहले हम क्या करेंगे हम मच्छी को फ्राई कर लेंगे तो चलिए इधर पे मैंने पाँच से छः चम्मच तेल गर्म होने रखी हूँ जैसे ही तेल गर्म होएगा तो हम फिश को हम फ्राई कर लेंगे मैं कभी कभी मच्छी भी बोलती हूँ कभी कभी फिश भी बोलती हूँ हाँ. है ना दोनों शब्द का इस्तेमाल करती हूँ मैं इंग्लिश और हिंदी है ना और मेरे घर के सामने ना बड़ा सा मैदान है तो क्या हो गया अभी दिवाली आ चुकी है तो बच्चे ना काफी फटाके फोड़ने का स्टार्ट कर चुके हैं तो आप लोगों को कभी कभी वीडियो में ना इसकी आवाज भी आने लगेगी तो टेंशन मत लेना ये थोड़े दिन आएगी उसके बाद में नहीं आएगी कैसे दस से पंद्रह दिन तक आएगी यहाँ पे अलग पलट करते हुए मैंने फिश को फ्राई कर, कर ले चुकी निकाल चुकी हूँ साइड में अभी क्या करेंगे इधर पे मैंने उसी कढ़ाई में जो तेल था ना उसमें से देखिए ये जो ऐसा मसाला था ना वो मसाले को मैंने निकाल चुकी हूँ और वही तेल में मैं सारे मसाले डाल दूँगी जो तो ऐसे इसमें अभी बचा है कम से कम तीन से चार चम्मच तेल तीन तेजपत्ते के टुकड़े और हरी इलायची तीन से चार हम डाल देंगे और चार से पाँच दालचीनी डाल देंगे थोड़ी सी इसे चटकने देंगे ये देखिए चटकने लग गई हम इसमें डाल देंगे प्याज का पेस्ट जो हमने बिरिस्ते का पेस्ट बना के रखे थे ना वो पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे ना अभी मेरी आवाज के साथ में आप लोगों को कैसा लग रहा है ऐसा लग रहा है ना कि अभी आप, आप एकदम फिट है ना हाँ। अभी आगे आगे मैं आपको अच्छे से अच्छी रेसिपी दूंगी जैसी हम डाल देंगे सारी रेसिपी बनाने के समय आपको गैस को एकदम स्लो पे रखना है यानी मीडियम पे रखना है एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे ढकेंगे नहीं इसे चम्मच मारते रहेंगे और बाकी सामान भी इसमें ऐड करते रहेंगे ना बराबर थोड़ा रुक गई मैं सांस लेने लग गई थी सांस भी बहुत जोर से चलती है और धड़कनी भी फास्ट होती है कभी कभी मेरी इसमें डालेंगे पाउडर मसाले तो एक आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच धनिया पाउडर एक चौथाई हल्दी पाउडर एक चौथाई लाल मिर्ची पाउडर एक चौथाई हम डालेंगे गर्म मसाला पाउडर एक चौथाई हल्दी पाउडर है ना मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं कोई भी हार्ड मसाले इसके अंदर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ जो नॉर्मली लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर गरम मसाला पाउडर धनिया पाउडर कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर नमक यही होगा इसमें उसी के साथ में हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट हाँ। जो हमने बनाकर रखे थे अब ये सारी चीजें डालने के बाद में हम क्या करेंगे एक से दो मिनट तक का हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे जैसे ही इसके ऊपर तेल छुपने लग जाएगा तो इसमें डालेंगे जो खोबरा और बादाम और काजू का पेस्ट जो हमने बना के रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे ये मेरी जो पानी डाली हुई है थोड़ा सा वाटी खंगाल के पानी डाल लेंगे ये वो पानी है जो मच्छी को मसाला जो मैंने लगा के रखी थी ना तो बर्तन में जो मसाला बच गया था तो उसी को मैंने खंगाल के वो पानी भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी अभी सारा पानी हमने इसमें डाल चुके अभी हम क्या

बताई जैसे इसमें उबाल आ चुका है ना तो इसके अंदर हम ये जो मच्छी फ्राई करके रखे थे ना वो सारी मच्छी हम इसमें डाल देंगे आप इसे ना जीरा राइस के साथ में भी खा सकते हैं नान या पराठे के साथ में भी आप इसे खा सकते हैं ये बहुत ही अच्छा लगता है मगर मेरे पास में टाइम नहीं था तो इसीलिए मैंने इसे स्टीम राइस के साथ में ही खाई थी हाँ। चलिए अभी ये जो पूरा तेल बीजा तो जो था प्लेट में वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी अभी इसे सिर्फ दो मिनट तक पकाऊंगी ऊपर से डाल लूंगी थोड़ा सा हरा धनिया और इसके बाद में मैं गैस को बंद कर दूंगी फिर मैं तैयारी करने वाली हूँ मेरे क्या सिर्फ तंदूरी फिश फ्राई तंदूरी फिश फ्राई की तो माशाल्लाह ग्रेवी तो बहुत ही अच्छी बनी थी बहुत टेस्टी बनी थी ये वाली मैं रेसिपी ये वाली ग्रेवी में बहुत कम बनाती हूँ ये वाली मेरे अशरफ की बहुत फेवरेट है उसे बहुत पसंद है और आसिफ ये जब बनती है तो इसे तंदूरी रोटी के साथ में ही खाना पसंद करता है ना अच्छी लगती है बहुत अच्छी लगती है ना ऐसा लगता ही नहीं कि फिश है, ऐसा चिकन के जैसा लगता है चिकन का कौरमा लगता है तो चलिए अभी हम क्या करेंगे ऊपर से हरा धनिया डाल के गैस को कर देंगे माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त और इतनी टेस्टी बनी थी क्या पूछो मत इसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में और भी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ दिवाली रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ और आप लोगों को गाय मेरी दिवाली की रेसिपी देखनी है यानी कैसे कि रवे के लड्डू हो गए और ये बेसन के लड्डू हो गए करंजी हो गई ये सब आपको स्वीट रेसिपी भी देखनी है तो मेरे चैनल पर मौजूद है आप लोग मेरा नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी चलिए अभी तंदूरी फिश फ्राई बना लेंगे तो ये भी मैंने सुरमई मछली ली हूँ इसे अच्छी तरह से साफ़ करके अच्छी तरह से धो ली लूँ इसमें कुछ मसाले मिक्स करेंगे तो ये डालूंगी मैं एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक चौथाई हल्दी पाउडर एक चौथाई नमक और उसी के साथ में तंदूरी मसाला मैं लूंगी एक चम्मच कोई भी ब्रांड का आप तंदूरी मसाला यूज़ कर सकते हैं अगर तंदूरी मसाले की रेसिपी देखनी है

आधा नींबू का जूस आधा नींबू का जूस डालियु अभी इन सबको हम खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मच्छी को अच्छी तरह से लगा देंगे ना ये बहुत टेस्टी बनी थी बस एकदम जबरदस्त बनी थी है ना, ना। थोड़ा सा आप इसे फ्राई करने के बाद में कोयले का वाफ भी देंगे ना तो और अच्छा लगेगा मेरे पास में कोयले नहीं थे इसीलिए मैंने इसके ऊपर वाफ नहीं दी अभी इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और कम से कम रख देंगे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए अगर आपके पास में टाइम है तो रखिए ना तो आप तुरंत भी इसे फ्राई कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अभी एक तवे में तेल रखी हो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो गैस को आप मीडियम पे कर दीजिए और सारी मच्छी इसमें डाल दीजिए अलट पलट करते हुए एक तरफ से पांच मिनट और एक तरफ से पांच मिनट फ्राई कर लीजिए हाँ। हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसे निकाल लेना गैस को मीडियम पे रखना बिल्कुल भी हाई पे नहीं रखना ये देखिए और एक बात कहना चाहती हूँ हम लोग थोड़ी मछली जो है ना कड़क खाते हैं तो हमें कड़क मछली खाना पसंद है अगर आपको थोड़ी सॉफ्ट मछली खाना पसंद है तो आप कम फ्राई करके इसे निकाल लेना हाँ। मगर मछली का असली टेस्ट आता है जब ये कड़क और कुरकुरी होगी हाँ। हो है हाँ। तो ही मजा आती है खाने में सुरमई भी अच्छी बड़ी बड़ी थी हाँ सुरमई अच्छी बड़ी बड़ी थी मैंने ली थी ये पूरी अख्खी सुरमई पंद्रह सौ रुपए की है ना इसमें से आधी मैंने बनाई सालन में इसमें डाली कोरमे में, में? में और आधी मैंने फ्राई की और थोड़ी सी मैंने उठा के चार से पांच पीस फ्रिज में रख दी क्या मैं दाल चावल बनाऊंगी तो उसके साथ में हम लोग इसे खाएंगे तो यहाँ पर हमारे दोनों भी रेडी हो चुकी है बिस्मिल्ला बोल के मैं आपको सर्व करके बताती हूँ थोड़ा लेट हो गया था काफी रात भी हो गई थी ना तो चलिए यहाँ पर देखिए कितना घट हमारा कोरमा बना है कोरमा घट होगा तो ही मजा आता है खाने के लिए मस्त इसमें जो ऊपर के जो आगे की साइड के जो पीस होते हैं, वो मैंने ग्रेवी में डाली बीच के साइड के पीस मैंने फ्राई की और थोड़े से पीछे के पीस थे वो मैंने रख दी बराबर चलिए हम बोल बोलकर अभी सर्व करें ये देखिए मस्त एकदम टेस्टी इसे गर्मा गर्म खाना जीरा राइस की रेसिपी देखनी है तो भी मेरे चैनल पे मौजूद है पराठों की रेसिपी भी आपको आपको देखनी है तो भी मेरे चैनल पर मौजूद है या आपको तंदूरी घेहूँ की तंदूरी रोटी या मैदे की तंदूरी रोटी देखनी है तो भी मेरे चैनल पर मौजूद है सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि आपको करना है सर्च

मैंने खाई हाँ, अच्छा हाँ? अच्छे से मत चावल खाई एक मच्छी फ्राई खाई सालन की मच्छी एक खाई थी और फ्राई मच्छी एक खाई यानी दो टुकड़ा मच्छी खाई और इससे भी ज्यादा मैंने चावल खाई थी हाँ। हाँ? तो चलिए बिस्मिल्लाह बोलकर आपको खाकर बताती हूँ मैं और आशिरफ को तो इतना पसंद आया तो लगा था कैसा था एक नंबर था है ना हाँ। तो चलिए बिस्मिल्लाह जबरदस्त और एकदम सुपर से भी ऊपर एकदम टेस्टी बनाता है न हा? हाँ। साइड में तंदूरी रोटी रखी हुई है जो आसिफ और तुम्हारे भाई खाने वाले थे हाँ। तो लाके हम लोग ने रख दिए थे हम लोग कैसा जब भी सर्व कर शूट हो जाता उसी के बाद में हम लोग खाने बैठ जाते तो चलिए अल्लाह दुआ में याद रखना फिर मिलती हूँ अच्छी रेसिपी